दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा टीम इस बार आईपीएल चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई के खिलाफ लखनऊ की टीम ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, तो अंक तालिका में बच गया बड़ा भूचाल। लखनऊ की जीत से चेन्नई को लगा तगड़ा झटका, तो वहीं हैदराबाद और कोलकाता और राजस्थान की हालत हुई और भी ज्यादा गंभीर। जी दोस्तों आज लखनऊ और चेन्नई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में लखनऊ की टीम को 8 विकेट से जीत मिली है, जिसके बाद अंक तालिका में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो आखिरकार लखनऊ की जीत से अंक तालिका में क्या कुछ बदलाव हुआ, ये तो आपको बताएंगे। साथ में ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और सिक्सर किंग की लिस्ट के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार के प्लेऑफ में अब कौन सी टीम कदम रख सकती है, चेन्नई की टीम, लखनऊ की टीम या फिर दोनों टीम? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 अब अपने आधे पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसके कारण अंक तालिका भी काफी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है। आपको बता दें आईपीएल के अब तक 34 मैच समाप्त हो चुके हैं, जिसका 34वां मैच लखनऊ और गुजरात के बीच लखनऊ के घरेलू मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में लखनऊ की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए चेन्नई की टीम को 20 ओवर में 176 रन 6 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। और अब इसका पीछा करने के लिए आई लखनऊ की टीम ने लक्ष्य को 19 ओवर के अंदर 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। ऐसे में लखनऊ की टीम को चेन्नई की टीम के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद अंक तालिका में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों अंक तालिका के बारे में बात करें तो सबसे नीचे फिलहाल बैंगलोर की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने साथ 7 खेले हैं। इस बीच उन्होंने 1 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 6 मैच में हार का सामना किया है, जिसके कारण उनके 2 अंक हैं और इनका नेट रन रेट नेगेटिव में 1.18 है। तो वहीं 9 नंबर पर पंजाब की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने 7 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 2 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 5 मैच में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 4 अंक हैं। इस दौरान इनका नेट रन रेट नेगेटिव में 0.25 है। तो वहीं 8 नंबर पर अब गुजरात की टीम आ गई है, जिन्होंने अपने 7 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 3 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 4 मैच में हार का सामना किया है, जिसके चलते अब उनके 6 अंक हैं। इस बीच इनका नेट रन रेट नेगेटिव में 1.303 है। तो वहीं 7 नंबर पर मुंबई की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने 7 मैच खेले हैं। इस बीच उन्होंने 3 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 4 मैच में हार का सामना किया है, जिसके कारण उनके 6 अंक हैं और उनका नेट रन रेट भी फिलहाल नेगेटिव में 0.13 है। तो वहीं 6 नंबर पर दिल्ली की टीम है, जिन्होंने अपने 7 मैच खेले हैं। इस बीच इन्होंने 3 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 4 मैच में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 6 अंक हैं और इनका नेट रन रेट नेगेटिव में 0.07 है। तो वहीं 5 नंबर पर लखनऊ की टीम अब आ चुकी है, जिन्होंने अपने 7 मैच खेले हैं। इस बीच उन्होंने 4 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 3 मैच में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 8 अंक हैं। इस दौरान चेन्नई को 8 विकेट से हराने के कारण इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.12 है। तो वहीं 4 नंबर पर हैदराबाद की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने 6 मैच खेले हैं। इस बीच उन्होंने 4 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 2 मैच में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 8 अंक हैं और इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.502 है। तो वहीं 3 नंबर पर अब चेन्नई की टीम आ गई है, जिन्होंने 7 मैच खेले। इस बीच उन्होंने 4 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 3 मैच में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 8 अंक हैं। इस दौरान लखनऊ के खिलाफ 8 विकेट से हारने के कारण इनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.52 है। तो वहीं 2 नंबर पर कोलकाता की टीम आ चुकी है, जिन्होंने अपने 6 मैच खेले। इस बीच उन्होंने 4 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 2 मैच में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 8 अंक हैं और इनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव में 1.39 है। तो वहीं सबसे ऊपर राजस्थान की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने 7 मैच खेले हैं। इस बीच उन्होंने 6 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 1 मैच में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 12 अंक हैं और उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.67 है। तो वहीं ऑरेंज कैप के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर विराट कोहली 361 रन के साथ मौजूद हैं, तो वहीं 2 नंबर पर रियान पराग 318 रन बनाकर मौजूद हैं और 3 नंबर पर रोहित शर्मा 297 रन बनाकर मौजूद हैं। तो वहीं पर्पल कैप में सबसे ऊपर जसप्रीत बुमराह 13 विकेट के साथ मौजूद हैं, तो वहीं 2 और 3 नंबर पर युजवेंद्र चहल, गेराल्ड गोएट जी 12 छक्के के साथ मौजूद हैं। तो वहीं सिक्सर किंग के रूप में हेनरिक लासेन 24 छक्के के साथ सबसे ऊपर मौजूद हैं। तो वहीं 2 नंबर पर रियान पराग 20 छक्के के साथ मौजूद हैं और 3 नंबर पर निकोलस पूरन 20 छक्के के साथ अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि अभी इन लिस्ट में अंदर आने वाले मैच में काफी बदलाव होने की संभावना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है लखनऊ की टीम इस बार के प्लेऑफ में अपनी जगह कायम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।